स्वागत है आप सभी का फागुन की बेला में। मैं शुभम कुमार सिंह सबसे पहले तो आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और दूसरा आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हम सब यहाँ पे इतने दूर दूर पर अपने सोच और अपने विचारों से एक साथ यहाँ पे एकत्रित है। वो कहते हैं ना, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, इंसान ही इंसान को चलना सिखाती है। तो अपना ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे बीच डीम ऑफ मीडिया स्कूल हम डॉक्टर प्रोफेसर अमरीश सक्सेना जी हमारे बीच में आए और हमें हमारे इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे लेके जाए। आज का जो आयोजन है वो बड़ा ही अलग तरीके से हम लोगों ने आयोजित किया है। खास तौर से कृष्णा पांडे जी का इनिशिएटिव है, उनकी पहल है इस कार्यक्रम को आगे करने की। और जैसा कि हमने इस परंपरा को डाला है कि जो भी कार्यक्रम इस तरह के हों वो स्टूडेंट्स की तरफ से हों, जो स्टूडेंट्स की जो बॉडी है, जो विद्यार्थियों की बॉडी है इस पार्क, तो सारे इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम उसी के द्वारा होते हैं। तो ये मुख्य रूप से विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, निश्चित रूप से टीचर्स का योगदान और टीचर्स का मार्गदर्शन तो होता ही है। तो उस हिसाब से कृष्णा पांडे जी, सुष्मिता बालाजी, इन सबनों सबने जो योगदान दिया है, उसकी वजह से ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। और सबसे बड़ी जो चीज है, चूंकि ये कार्यक्रम हम लोग इन हाउस ही कर रहे हैं, बट विद्यार्थियों को चाहिए था कि एक ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उनको मोटिवेट कर सके, उनका मनोबल बढ़ा सके और इस कार्यक्रम में जो ग्लैमर का पुट है वो दे सके। तो उसके लिए हमने राजेंद्र गौतम जी को आमंत्रित किया और उन्होंने समय निकाला हमारे लिए, ये बड़ी बात है। और जैसे कि और हम उनकी जो भी कविताएं हैं उनसे भी लाभान्वित हो गए। हमें पता है कि वो पहले भी फिजिकल मोड में जब हमने कार्यक्रम किए हैं तब डीएमई में आ चुके हैं और वो बहुत ही प्रख्यात कवि हैं, बड़े साहित्यकार हैं, तो आज हमारे बीच हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में और शुभम से कहता हूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। अब हमारे बीच जो आए हुए मेहमान हैं, पहले तो उनको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहूंगा। डॉक्टर राजेंद्र गौतम सर जी, आपको या ऑडियो वीडियो विजुअल्स के जरिए हम देखते हैं, थोड़ी सी झलक मारते हैं डॉक्टर राजेंद्र गौतम सर जी के उनके जीवन से। डॉक्टर गौतम सर, आपके लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी चार लाइनें लिखी हैं। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपके मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही इस महफिल की जान है, हमारे खुश नसीबी है कि आप हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर राजेंद्र गौतम सर जी, तहे दिल से आपका इस महफिल में आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि अब आर्यन आए और सर के बारे में दो विस्तार से बताए। नमस्कार, मेरी तरफ से आप सभी को पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो डॉक्टर राजेंद्र गौतम को किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कवि, समीक्षक और शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर राजेंद्र गौतम एक जाना जाना नाम है। वर्ष 2018 में डॉक्टर गौतम को साहित्य द्वारा समाज सेवा के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बरगद जलते हैं सन 1997, अंक होते हैं समय के 1987 तथा गीत पर्व आया है 1983। डॉक्टर गौतम के चर्चित नवगीत संग्रह हैं।
हरियाणा साहित्य अकादमी ने डॉक्टर गौतम की कृतियों बरगद जलते हैं क्वेश्चन 1998 में तथा गीत पर आया क्वेश्चन 1984 में श्रेष्ठ कविता पुस्तक के रूप में पुरस्कृत किया था। नवगीत दशक 3 यात्रा में साथ साथ नवगीत अर्शति आदि सभी प्रतिनिधि नवगीत संग्रहों में इनकी रचनाएं संकलित हैं। एक आलोचक के रूप में डॉक्टर गौतम की पहचान का आधार काव्य असाधारणीकरण 2010 दृष्टिपात 1997 पंथ के काव्य में अभिजात से वादी और स्वच्छंदतावादी तत्व 1989 तथा हिंदी नवगीत उद्भव और विकासन 1984 जैसे समीक्षा ग्रंथ हैं। उनकी 400 से अधिक रचनाएं हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से प्रसारित हुई हैं। डॉक्टर गौतम को पाकिस्तान अकादमी ऑफ लेटर्स द्वारा इस्लामाबाद में 10-11 जनवरी 2013 को लोकतंत्र और साहित्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया था। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस ने भी अपने उद्घाटन समारोह 12 अगस्त 2004 से 22 अगस्त 2004 में डॉक्टर गौतम को साहित्यकार के रूप में आमंत्रित किया था। डॉक्टर गौतम ने अनुवाद एवं शब्दावली के क्षेत्र में भी विशिष्ट कार्य किया है। हिंदी के कई ब्लॉगों द्वारा भी उनकी रचनाएं प्रकाशित की गई हैं। बहुत 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 शुक्रिया आर्यन। अब जिस पल का हम सभी को इंतजार था, डॉक्टर राजेंद्र गौतम सर हमारे बीच आए और अपनी कुछ कविताओं को हमारे सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद शुभम जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम की शुरुआत की। जस्टिस भंवर सिंह जी, ऑनरेबल जस्टिस भंवर सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू, वेलकम। और प्रोफेसर अमरीश सक्सेना जी, सुष्मिता बाला जी, कृष्णा पांडे जी और आर्यन, आयुषी, मुस्कान, पलक, प्रिया मिश्रा, ये भी काव्य पाठ करने वाले हैं और कुछ प्रतिभागी हैं इस कार्यक्रम में, और जो इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद इसलिए विशेष रूप से देना चाहूंगा कि डीएमई के प्रांगण में मनाई जा रही इस रंगारंग होली में मुझे भी आप लोगों ने शामिल होने का मौका दिया है। तो जैसा मैंने कहा कि ये होली जो मन रही है, किस तरह की मन रही है, ये है तो बिल्कुल, पहले वैसे तो प्रतिबंध ही लगा दिया है सामूहिक रूप से तो होली मिलन के लिए, लेकिन जब हम त्योहारों को जीते हैं, जब हम ऋतुओं की धड़कन को सुनते हैं, तो तब अपने यांत्रिक खोल से जो हमारा एक मैकेनिकल लबादा होता है उससे बाहर निकलते हैं और तब हमें लोकगीत याद आते हैं, संगीत याद आता है, चित्र अल्पना वगैरह हम सजाते हैं वो सब याद आते हैं और तब हमें कविता याद आती है। यानी ये सब क्या है, कविता से जुड़ना, संगीत से जुड़ना, चित्रकला से जुड़ना, ये हमारा प्रकृत होने का रूप है, नेचुरल होने का रूप है। और नेचुरल होने में सबसे बड़ी ये जो कोशिश की है, आप लोगों ने इसको नाम दिया है हास्य कवि सम्मेलन। होली के साथ इस हास्य कवि सम्मेलन का रिश्ता इसलिए भी जुड़ता है क्योंकि होली टैबूज को, वर्जनाओं को तोड़ने वाला त्योहार है और हास्य के साथ होली में कुछ और चीजें भी जुड़ जाती हैं, प्रेम और श्रृंगार। इसलिए आप लोगों ने जो इसको हास्य कवि सम्मेलन का नाम दिया है, मैं इसके दायरे को थोड़ा बढ़ा देता हूं और मैं इसको हास्य के साथ साथ हास्य और प्रेम कविताओं का जो सम्मेलन है वह इसको हम नाम दे सकते हैं। यद्यपि हम कवियों से तो नहीं मिल पाएंगे, कविताओं से ही मिल पाएंगे क्योंकि समस्या ये है जो वर्चुअल रूप हो गया है, हम दूर दूर से सिर्फ कवियों को देख सकेंगे। तो ये जो हमारी वर्चुअल दुनिया है, इस वर्चुअल दुनिया में इस तरह का हम जो आयोजन कर रहे हैं, इसमें मैं पहले, अच्छा ज्यादातर मैं अपनी बात आज दोहों के रूप में कहूंगा, इनको आप फागुनी दोहे कह सकते हैं, छोटे कुछ और रूप भी आ सकते हैं। और पहला दोहा मैं डीएमई संस्था को ही समर्पित करता हूं। वो दोहा इस प्रकार है, चुटकी एक गुलाल की पिचकारी भर प्यार, चुटकी एक गुलाल की पिचकारी भर प्यार, डीएमई लो सौंपता होली का उपहार। ये है होली का उपहार मेरी ओर से आप लोगों के लिए है। तो डीएमई ये सौंपता होली का उपहार। तो इन दोहों के माध्यम से जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, इनमें
कुछ मिठास श्रृंगार की भी है, कुछ हास्य भी आपको मिलेगा और जो होली का पूरा रंग है वो आपको देखने को मिलेगा। चुटकी एक गुलाल की लाई कितनी याद, चुटकी एक गुलाल की लाई कितनी याद, भले वर्चुअल ही सही भरती है उन्माद, भले वर्चुअल ही सही भरती है उन्माद। और चुटकी एक गुलाल की सुर्ख हुए हैं गाल, देह लरजती छुवन से जो फूलों की डाल। मैंने कहा था हास्य और श्रृंगार दोनों ही होली के रंग हैं, पहले कुछ दूसरे रंग हो जाए फिर हास्य भी इसमें जुड़ता चला जाएगा, कि चुटकी एक गुलाल की सुर्ख हुए हैं गाल और देह लरजती छुवन से जो फूलों की डाल। और चुटकी एक गुलाल की बदले सारे सीन, मेरे दोहों में आप ये खासियत इन रूपों में कुछ पाएंगे कि अंग्रेजी के कुछ शब्दों को मैंने इस ढंग से पिरोया है जो आपको बड़े आकर्षक लगेंगे, कि चुटकी एक गुलाब की बदले सारे सीन, श्वेत श्याम थी जिंदगी, ब्लैक एंड व्हाइट, श्वेत श्याम थी जिंदगी अब सपने रंगीन, चुटकी एक गुलाल की बदले सारे सीन, श्वेत श्याम थी जिंदगी अब सपने रंगीन। तो देखिए मौसम यद्यपि रेड अलर्ट घोषित कर रहा है, चाहे वो कोरोना का मौसम हो और चाहे वह दूसरा मौसम हो, लेकिन क्या इस रेड अलर्ट को हवा मानेगी? शायद नहीं मानेगी। देखिए दोहा, ये बिल्कुल एक नए अंदाज का दोहा है और हमारे युवा पीढ़ी को एंजॉय करने का मौका इस दोहे में मिलेगा, कि घोषित करता रह गया मौसम रेड अलर्ट, घोषित करता रह गया मौसम रेड अलर्ट, पेड़ पेड़ को छेड़ती हवा निगोड़ी फ्लर्ट, पेड़ पेड़ को छेड़ती हवा निगोड़ी फ्लर्ट, और घोषित करता रह गया मौसम रेड अलर्ट। और क्या क्या इस त्योहार से जुड़ी हुई चीजें हैं और कैसे मिठास है और उसके क्या क्या रूप हैं, कि गुजिया देवर को मिली, गुजिया विशेष रूप से होली पर बनाते हैं हम लोग घरों में, गुजिया देवर को मिली। अच्छा होली में देवर भाभी का भी आप बरसाने की होली को देखते होंगे, वहां एक खास अंदाज होता है, तो यहाँ कुछ उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि गुजिया देवर को मिली होली का उपहार, पिए को केवल मिल सका रूखा सूखा प्यार, पिए को केवल मिल सका, वैसे कहा रूखा सूखा है, प्यार तो पिया को ही मिला है, गुजिया देकर देवर को टरका दिया गया। दोहे में कैसे किस अंदाज से बात की गई है जरा इसको देखिए, कि गुजिया देवर को मिली होली का उपहार और पिए को केवल मिल सका रूखा सूखा प्यार। और देखिए ये एक नए अंदाज का दोहा, फिर हमारे मोबाइल की पीढ़ी जो है इसके लिए ये दोहा है, कि दिल की डाली लचक कर हुई अचानक स्विंग, दिल की डाली लचक कर हुई अचानक स्विंग, मोबाइल पर जब बजी पहचानी सी रिंग, मोबाइल पर जब बजी पहचानी सी रिंग। और कई बार क्या होता है जब हमारी कॉल होल्ड पर होती है तो उस अंदाज को देखिए, कि कॉल हमारी होल्ड पर, कॉल हमारी होल्ड पर दूर गई आवाज, पता नहीं अब कब मिले शब्दों को परवाज, परवाज उड़ान, कि कॉल हमारी होल्ड पर दूर गई आवाज, पता नहीं अब कब मिले शब्दों को परवाज। ये जो हम जी रहे हैं अब 10-11 दिन से, फिर आतंक बढ़ा है, साल भर हम आतंक जीते रहे, थोड़ा सा बीच में राहत महसूस हुई और फिर बढ़ा है कोरोना का आतंक। आइए जैसा भी है लेकिन हम इस कोरोना को भी हास्य के रंग में ढाले और उसको हम चुनौती दें। तो देखिए कि कोरोना ने प्रेम पर किया कुठारा घात, देखिए ज्यादातर मैंने चीजें युवा पीढ़ी के लिए चुनी है, आप डीएमए के विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं वो इसको एंजॉय कर सकें, कि कोरोना ने प्रेम पर किया कुठारा घात, जीएफ बीएफ कर रहे डिस्टेंसिंग से बात, जीएफ बीएफ कर रहे डिस्टेंसिंग से बात, कोरोना ने प्रेम पर किया कुठारा घात, कोरोना सिखला गया क्या क्या हमको काम, हमने क्या क्या सीख लिया इस बीच, कितने हम झाड़ू पोछा से लेकर और बहुत कुछ भी हम करने लगे हैं, तो हम अपने पर ही पहले हंसे ये सबसे बेहतर है, फिर हम अमरीश जी पर भी आएंगे, पहले अपने पर हंस ले, कि कोरोना सिखला गया क्या क्या हमको काम,
कोरोना सिखला गया क्या क्या हमको काम, खुद ही है हम बावर्ची, खुद ही है हजाम, उनकी बात करते पड़ रहे हैं। कोरोना सिखला गया क्या क्या हमको काम, खुद ही है हम बावर्ची, खुद ही है हजाम। और दूसरे ऐसी स्थिति मान सकते हैं कि मान लो अब आवश्यक कार्य से अमरीश जी पहुंचे डीएमए, बारिश वारिश से भीगे तो स्वाभाविक छींकनी का आ सकती है, लेकिन हम आशंकित होकर क्या करते हैं उससे ये दोहा देखिए। और बड़ा माफी चाहते हुए अमरीश जी से मैंने उनके नामों का प्रयोग किया है कि डिस्टेंस डिस्टेंसिंग ने दी इन्हें देखो कितनी टीस, डिस्टेंसिंग ने दी इन्हें देखो कैसी टीस, बालाजी इस रूम में उसमें है अम्बरीश, बालाजी इस रूम में उसमें है अम्बरीश, क्योंकि डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी होगी, थोड़ी सी भी आशंका हमारे मन में कहीं पैदा होती है। और जीवन भर से जो रहे अल्कोहल से दूर, देखिए आज हम दिन रात अल्कोहल के साथ जीते हैं, जितने भी हमारे सैनिटाइजर्स हैं सब में अल्कोहल है, लेकिन जीवन भर थे जो रहे अल्कोहल से दूर, घड़ी घड़ी अब वे उसे छूने को मजबूर, घड़ी घड़ी अब वे उसे छूने को मजबूर। तो और भी रूप आए कोरोना के, और देखिए मैंने कहा कि उस भयानक राक्षस को चुनौती देते हुए हम थोड़ा हंसते हैं तो और मजा आएगा कि होठों पर अब मास्क का लगा हुआ प्रतिबंध, कम से कम यहाँ हम अलग अलग हैं तो मास्क से मुक्त हैं, इकट्ठे होने पड़ता तो फिर मास्क हमारे चेहरे पर होता, तो होठों पर अब मास्क का लगा हुआ प्रतिबंध, मुस्काने दी थी नहीं अब मन को आनंद, स्माइल दिखाई ही नहीं देती तो आनंद कहां से देगी, तो इसलिए होठों पर अब मास्क का लगा हुआ प्रतिबंध, मुस्काने दी थी नहीं अब मन को आनंद। और फिर अगला दोहे में भी आधार रूप वही है कि होठों पर जब मास्क का लगा हुआ प्रतिबंध, लिपस्टिक की दुकान अब पड़ी सभी हैं बंद, लिपस्टिक की दुकान सब पड़ी सभी हैं बंद, और परिवर्तन हुआ। चलिए हम कोरोना से निकलकर फिर फागुन की ओर आते हैं, उसकी सुंदरता की ओर आते हैं। मौसम को फिर मिल गए रंग रंग के फूल, अब ये जो परिवर्तन है ये जिंदगी है, जिजीविषा है जो हमारे भीतर एक ताकत है, कुछ भी करता रहे कोरोना, लेकिन मौसम को फिर मिल गए रंग रंग के फूल, देख शिशिर के शीश पर फागुन डाले धूल, कैसे शिशिर को विदा कर दिया सर्दी बीत गई, और मदहोशी में छेड़ते भंवरे कैसी तान। मौसम कैसा बदल जाता है, कैसा श्रृंगारिक होता है कि मदहोशी में छेड़ते भंवरे कैसी तान, सपने में सुनते जिन्हें मंजरियों के कान। फागुन की सबसे बड़ी विशेषता ये हो कि उत्तर भारत में आमों के पेड़ जो हैं वो मंजरियों से भर जाते हैं और उस पर भंवरे गुनगुनाते हैं। मदहोशी में छेड़ते भंवरे कैसी तान, सपने में भी सुनते सुन रहे सपने में सुनते जिन्हें मंजरियों के कान। मैं अमरीश जी जानते हैं कि किस तरह की कविताएं लिखता हूं, पता नहीं उनको मुझे कैसे हंसी के साथ जोड़ा होगा उन्होंने मुझे, तो शायद मेरे चेहरे में वो हंसी झलक रही होगी, इसलिए फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी उस तरह की चीजें जो आज के रंग के साथ मिली हुई हैं। तो अभी हम लोग फरवरी में थे थोड़े दिन पहले, और फरवरी का त्योहार जो हमारे युवाओं का वो सबसे बड़ा तो वही है 14 फरवरी, और उसी 14 फरवरी से पहले एक आता है प्रपोज डे। तो चलिए एक छोटी सी गजल इस तरह की हो जाए, और ऐसी गजल आपने नहीं सुनी होगी अभी तक, तो वो गजल का रंग जो है वो आप प्रपोज डे को सामने रखते हुए सुनिए। मन ने सिर्फ सपोज किया है, मन ने सिर्फ सपोज किया है, किसने कहा प्रपोज किया है, मन ने सिर्फ सपोज किया है, किसने कहा प्रपोज किया है, उसके कांटों को भी दिल ने रोज यहां पर रोज किया है। पहला रोज अलग है और दूसरा एरो आरओएसी रोज हो गया है कि उसके कांटों को भी दिल ने रोज यहां पर रोज किया है, और जितने मूव चले हैं हमने उसने सदा अपोज किया है। कैसी ये रफ्तार चले हैं,
हर रास्ते पर डोज किया है, कैसे ये रफ्तार चले हैं, हर रास्ते पर डोज किया है। और जो अंतिम शेर है इसका, जिसे उर्दू के हिसाब से मक्ता कहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने एक शब्द का प्रयोग किया पाटल का, और एक है सरोज, दोनों के अर्थ हमारे युवाओं को बताना जरूरी है। पाटल गुलाब को कहते हैं और सरोज आप जानते हैं कमल को कहते हैं। तो देखिए क्या एक खास तरह का कंट्राडिक्शन बना है उस शेर में कि गुलदस्ते में पाटल भेजे, गुलदस्ते में पाटल भेजे, किसने उन्हें सरोज किया है, गुलदस्ते में पाटल भेजे, पाटल गुलाब, गुलदस्ते में पाटल भेजे, किसने उन्हें सरोज किया है, मन ने सिर्फ सपोज किया है, किसने कहा प्रपोज किया है, किसने कहा प्रपोज किया है। तो ये एक बिल्कुल अलग तरह का रंग था गजल को इस रूप में। अच्छा, फिर मौसम आजकल बादलों का हो जाता है, लेकिन बादलों की जब याद आती है तो हमारे हास्य की बात है, तो इसमें कोई पॉलिटिकल चीज कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ हास्य के रंग इसमें हैं कि एक बार आपको याद होगा कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो मौसम के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था क्लाउडी मौसम का। उस क्लाउडी मौसम को, उस शब्दावली को प्रेम गीत में कैसे ढाला जाए, वो आप देखिए कि कैसे वो प्रेम का रूप मैंने उस शब्द को लेकर, वो गीत सुनिए और आपको आनंद आएगा। क्लाउडी क्लाउडी मौसम है आओ कुछ कर डालें, क्लाउडी क्लाउडी मौसम है आओ कुछ कर डालें, छुप छुप आहे भरता रहता मेरा तेरा प्यार, बहुत सताता है हमको ये दुनिया का राडार, क्योंकि इसमें राडार जो दुनिया का है वो प्रेम में बड़ा एक खलनायक की भूमिका निभाता है कि छुप छुप आहे भरता रहता मेरा तेरा प्यार, बहुत सताता है हमको ये दुनिया का राडार, बाहर बूंदों की छमछम है आओ कुछ कर डालें, और क्लाउडी क्लाउडी मौसम है आओ कुछ कर डालें। और क्योंकि इसमें सर्जिकल स्ट्राइक वाला रेफरेंस मैंने दिया तो उड़ानों का रिश्ता भी इससे जुड़ता है, तो मन की मस्त उड़ाने अब तक कितनी हमने टाली, मन की मस्त उड़ाने अब तक कितनी हमने टाली, और मिलन लक्ष्य को भेद न पाए, टारगेट जो हमारा है, मिलन लक्ष्य को भेद न पाए, बार वार गए सब खाली, अब के शाम घटा हमदम है, अब के शाम घटा हमदम है, आओ कुछ कर डालें, और क्लाउडी क्लाउडी मौसम है आओ कुछ कर डालें, और वक्त कहाँ रहता है हरदम चाहों के अनुकूल, ये भी है समस्या कि वक्त कहाँ रहता है हरदम चाहों के अनुकूल, आज फुहारे झीनी झीनी उड़ती थी कल धूल, मस्त हवाओं की सरगम है आओ कुछ कर डालें, और क्लाउडी क्लाउडी मौसम है आओ कुछ कर डालें। आप लोग मीडिया का अध्ययन यहाँ कर रहे हैं तो एक दोहा, इसमें कुछ थोड़े संस्कृत और अंग्रेजी के शब्द हैं तो थोड़ा सा समझाने की जरूरत पड़ सकती है, मैं करूंगा। तो आप लोग डिबेट देखते हैं टीवी पर, उस टीवी डिबेट को लेकर एक दोहा लिखा है, और ये युवा पत्रकार जो वुड्डी जर्नलिस्ट हैं उनके लिए यह विशेष है कि घृणा सनी भौवे तनी, घृणा सनी भौवे तनी एंकर भौं के क्रुद्ध, घृणा सनी भौवे तनी एंकर भौं के क्रुद्ध, पालित चैनल लड़ रहे योजित कुक्कुट युद्ध, कुक्कुट में जो मुर्गे लड़ाया करते थे पहले, योजित वो स्पॉन्सर्ड होता था, तो हमारे चैनलों पर जो इनकी पैनलिस्ट की लड़ाई दिखाई देती है वो किस तरह की दिखाई देती है, जरा देखिए कितना मजेदार दृश्य हमारे सामने है कि घृणा सनी भौवे तनी और एंकर भौं के क्रुद्ध, पालित चैनल लड़ रहे योजित कुक्कुट युद्ध। और फिर हम एक दूसरे की निंदा आलोचना करते हैं, मेरा ख्याल है कि कितना समय मुझे है वो संकेत यदि शुभम कर देंगे तो मैं उस समय रोक दूंगा, अभी दो एक चीजें और पढ़कर मैं आगे समाप्त करूंगा इसको, कि जिस छलनी की देह में 1700 है छेद, समाज में क्या होता है हम दूसरों की निंदा करते हैं और अपने को भूल कर, जिस छलनी की देह में 1700 है छेद, ये मुहावरा आपने सुना होगा, उस छलनी के छाद से गहरे हैं मतभेद, आपने सुना होगा कि छलनी तो छाज तो बोले छलनी क्या बोले,
तो उसी को लेकर दोहा लिखा गया कि जिस छलनी की देह में 1700 है छेद, उस छलनी के छाज से गहरे हैं मतभेद। और समस्या ये हो गई है, होली पर ही हम ऐसे व्यंग बाण छोड़ सकते हैं कि किस किस को इन ईमान के बांटोगे ताबीज। ईमान गायब होता जा रहा है कि किस किस को ईमान के बांटोगे ताबीज, इसकी उसकी बात क्या पूरा देश मरीज। और चुनाव आता है तो कैसा लगता है, चुनाव का दृश्य देखिए कि संविधान पर हो रही जोर शोर से चोट, अब आंधी में आम से खूब मिलेंगे वोट, और जनगण कंठों से उठे जय जय स्वर समवेत। नेतागण हमारे कितना बड़ा काम कर रहे हैं वो इस दोहे में देखिए कि जनगण कंठों से उठे जय जय स्वर समवेत, काल हमारा दास है चरे देश का खेत, काल हमारा दास है चरे देश का खेत। तो ये स्थिति हमारे सामने आती है। तो ये मैंने कुछ हंसी के कुछ श्रृंगार के दोहे पढ़े, और अब मैं जो मेरा देख कहा जाए तो खास मेरा अपना रंग है, मैं अंत में एक गीत पढ़ रहा हूं और वो निश्चित रूप से फागुन का सौंदर्य का वसंत का और इस मौसम का गीत है, प्रकृति का। एक दो शब्द उसमें थोड़े कठिन हो सकते हैं, मैं उनके अर्थों को स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन वो एक जो रंग है, आज हम जो होली का त्योहार मना रहे हैं और इस होली के त्योहार में जैसा हमने अनुभव किया है कि हम उल्लास को भी एक दायरे में बांध कर सीमित रूप में मना रहे हैं, टेक्निकल खराबियां भी हमारे सामने आ रही हैं, यांत्रिक ढंग से हम जुड़ रहे हैं, लेकिन चलिए इस सब के बावजूद एक गीत मैं अंत में आप लोगों को सुना रहा हूं कि बसंती आश्वासनों की बढ़ गई है डोर। एक कम से कम एक एश्योरेंस नेचर तो हमें देती है, बाकी कहीं से कुछ मिले या ना मिले, प्रकृति हमें एक एश्योरेंस देती है, एक आश्वासन देती है। तो उसी बात को कहता हुआ ये दो छंदों का छोटा सा गीत है कि बसंती आश्वासनों की बढ़ गई है डोर, खिली है नव मल्लिका पर धूप की अग्निल शिखाएं। ये जो सूरज हमें अब गर्मी देने लगा है, हम फरवरी से पहले किस तरह से शीत के आतंक में जी रहे थे, कि बसंती आश्वासनों की बढ़ गई है डोर, खिली है नव मल्लिका पर धूप की अग्निल शिखाएं, और गोदनों वाली नदी हंस पिंड लिया फिर दिखाए, और सद्य स्नाता सी खड़ी है, सद्य स्नाता अभी अभी नहाकर निकले हुए, उसको कहेंगे सद्य स्नाता, सद्य स्नाता सी खड़ी है पद्मगंधा भोर, ऐसी सुबह जिसमें पद्मों की कमलों की गुलाबों की सुगंध मौजूद है। तो बसंती आश्वासनों की बढ़ गई है डोर, खिली है नव मल्लिका पर धूप की अग्निल शिखाए, और गोदनों वाली नदी हस्पिंड लिया फिर दिखाए, और सद्य स्नाता सी खड़ी है पद्मगंधा भोर। और क्या क्या हुआ मौसम में कि छू गई जब पेड़ को अल्लड़ हवा की सांस, बो गई उसकी समूची देह में रोमांच, तन गए शर कान तक, शर बाण को कहते। तो दोनों अर्थ है इसमें, हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा साहित्यिक के रूप में इसको समझना है, तो देखें कि जब युवावस्था में आंखें कान तक बढ़ जाती हैं और जब हम बाण छोड़ते हैं तो वो हम खींचते हैं तो हमारा हाथ कान तक आ जाता है, वो दोनों बिंब इसमें एक साथ प्रो दिए गए हैं कि छू गई जब पेड़ को अल्लड़ हवा की सांस, बो गई उसकी समूची देह में रोमांच, तन गए शर कान तक जब से महकता बोर, और बसंती आश्वासनों की बढ़ गई है डोर, बसंती आश्वासनों की बढ़ गई है डोर। अभी हमारे युवा साथी कविताएं सुनाएंगे, हमें उनका भी आनंद लेना है, और आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम यह आयोजित किया है, तो इसमें मैंने कुछ हंसी के कुछ श्रृंगार के प्रेम के और प्रकृति के दोहे और गीत और गजल आपके सामने रखी, और मेरी शुभकामनाएं, जैसा अमरीश जी बता ही रहे थे कि डीएमई में मेरा आना अक्सर होता रहा, और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि ये संस्था जो है ये साहित्य कला और संगीत को भी अन्य विषयों पर, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो बहुत प्रोफेशनल चीजों को तो आगे बढ़ाती हैं, लेकिन ये जो इंसान के दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं, कला से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनको उतना प्रमोट नहीं कर पाती, लेकिन ये डीएमई संस्था मुझे अपवाद लगी, और माननीय न्यायाधीश महोदय का निर्देशन आपको प्राप्त हो रहा है इस मामले में, परामर्श और
संरक्षण प्राप्त हो रहा है, तो इससे ये चीजें बहुत फल फूल रही हैं आपके यहाँ। ये मेरे लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है, खुशी का विषय है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और होली का चुटकी भर गुलाल आप सबके लिए मैं अर्पित करता हूँ अपनी ओर से, और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर आपके इन शब्दों का। अब मैं जितना अब इन इस महफिल में होली का और गीत और संगीत का उतना ही महत्व है जितना रंगों का है, तो अब अपना ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, और मैं बुलाना चाहूंगा प्रिया, मिहिर, दिव्यश्री, अनन्या और अनुष्का के ग्रुप का, और वो आए और हमारे सामने अपनी प्रस्तुति पेश करें। चाहूंगा कि हमारी डीएमई के सीनियर आयुषी वर्मा आए और अपनी कविता हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी वर्मा और मैं आज आप सभी को सबसे पहले तो नमस्कार करती हूं और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, और मैं अपनी कविता सुनाने जा रही हूं जो कि मेरी ही रचित है और जिसका शीर्षक है होली हुल्लड़। मैं छोटी थी, मैं मोटी थी, सच्ची थी पर मैं खोटी थी, जो खोट दिल में डरने का था, रंगीन चेहरों से बचने का था। वो चेहरे बड़े गुलाबी थे, मानो जैसे शराबी थे। रंगों की होली आई थी, जो सबको भंग पिलाई थी। दही बल्ले और गुंजिया खाकर, नाच नचा और नहा नहा कर, सब मौज मस्ती में झूम रहे पीएम पानी बचाओ पे ही घूम रहे। कभी बेटी बचाओ, कभी पानी बचाओ, और बाद में किसानों पर पानी फिरवाओ। कोरोना को भी होली खिलवाओ, पर नेताओं की रैली में मत बुलाओ। कहें दीदी सोनार बंगला, मोदी जी कहें खाली करना। खाली तो जेबें हो गई जब से डिमोनिटाइजेशन चली। चलेगी होली की फिर भी गाड़ी, अपोजिशन ने किसानों को पार्टी जो दे डाली। अब होली करके ही जाएंगे, रंगीन पटाखे जलाएंगे। इस होली कुछ नया मनाओ, कोशिश करो पानी के साथ इंसानियत भी बचाओ। खुले रखो वो दरवाजे जो सही सोच को लाएंगे, शायद फिर पुलिस वाले और सैनिक भी मौज मस्ती से होली मना पाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत कविता आपकी तरफ से आयुषी वर्मा। अब मैं चाहूंगा कि मुस्कान बवेजा आए हमारे बीच और अपनी कविता हमारे सामने प्रस्तुत करे। शुक्रिया शुभम। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। सुबह उठते ही मन में ख्याल आता है, जिस दिन मम्मी नहाने को ना बोले, उस दिन या तो जन्मदिन या तो होली का त्योहार आता है। मार्च की होली और फरवरी में तैयारी हो जाती है, मठरी, पापड़ और गुजिया
की सेल भारी हो जाती है। मुस्कान बहन बाहर आ जा, सारे दोस्त घूमने को बुलाते हैं। सही सलामत निकलती हूँ घर से, निकलते ही कपड़े रंग में भर जाते हैं। जाने क्या उमंग है इस त्योहार की, जब ऊपर देखे तो आकाश भी रंग से भरा लगता है। सामने वाले का चेहरा रंग से पुता हुआ पहचानने में भी 1.5 घंटा लगता है। 3 दिन का अवकाश ऐसे खुशियों से मनाते हैं, दुश्मन भी जैसे अपने हो जाते हैं। शुक्रिया, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कविता के लिए। अब मैं चाहूंगा कि पलक रस्तोगी हमारे बीच आए और अपनी कविता को हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। राधा कृष्ण के प्रेम से सजी रंगों का त्योहार है होली। मिल जाए सखी सहेली और पुराना यार, ऐसा खुशियों का त्योहार है होली। सतरंगी समा है, गुलाल के रंगों में मुझे खोने दो। सतरंगी समा है, गुलाल के रंगों में मुझे खोने दो। तितलियों जैसी रंगीन बन जाओ, रंग का नशा मुझ पर चढ़ने दो। कुछ रंग बिखर रहे हैं अल्फाजों में और कुछ रंग चढ़ रहे हैं एहसासों में। कुछ रंग बिखर रहे हैं अल्फाजों में और कुछ रंग चढ़ रहे हैं एहसासों में। सब पर चढ़ी है मस्ती व जोश बेशुमार, रंग ढले स्नेह के रंग में चढ़ रहा है सब कुमार। स्नेह का अबीर हूँ, सद्भाव की फुहार हूँ। स्नेह का अबीर हूँ, सद्भाव की फुहार हूँ। रंग की रंगोली में डूबी, चलो खेलते हैं ऐसी होली। मेरी और डीएमई की तरफ से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब इस होली में रंग तो मारते हैं तो व्यंग पीछे कहां छूटे, तो इसी रंग और व्यंग के साथ समझते हैं इसका खेल। प्रिया, सुहानी, अनन्या, प्रतीक, शुभम के संग एक प्रस्तुति देखते हुए जिसका नाम है कवि सम्मेलन। त्योहार होली का आया है, मगर धुआं क्यों छाया है। मगर धुआं क्यों छाया है, मगर धुआं क्यों छाया है। लोग पूछ रहे हमसे दिवाली कौन लाया है। दिवाली कौन लाया है, दिवाली कौन लाया है। जो पेट्रोल के मारे हैं उनको चोट लगी दिल पर। जो पेट्रोल के मारे हैं चोट लगी दिल पर। पेट्रोल 100 से ऊपर है, प्रदूषण कौन लाया है। पेट्रोल 100 से ऊपर है, प्रदूषण कौन लाया है। अब देखते हैं सरकारें क्या कह रही हैं। सरकारें बैठी चुपचाप, देखो मुंह सील कर है। देखो मुंह सील कर है, देखो मुंह सील कर है। सरकारें बैठी चुपचाप, देखो मुंह सील कर है। ये तो हर साल होता है, इसमें नया क्या आया है। इसमें नया क्या आया है, इसमें नया क्या आया है। बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, आप गौर कीजिएगा। वादे तोड़ने वाले देखो फिर से वादे कर रहे। फिर से वादे कर रहे, फिर से वादे कर रहे। खुद की निभती नहीं, दूसरों को निभाने की सीख दे रहे। निभाने की सीख दे रहे, निभाने की सीख दे रहे। अरे सत्ता के लोभी हैं ये सारे, बिक के बैठे हैं। अरे सत्ता के लोभी हैं ये सारे, बिक के बैठे हैं। अरे सत्ता के लोभी हैं ये सारे, बिक के बैठे हैं। राम हो या शिव, सारे कलयुग में दिखते हैं। सारे कलयुग में दिखते हैं, सारे कलयुग में दिखते हैं। अब शायद ज्यादा बोल गए, अब थोड़ा माफी मांग लेते हैं। हम बोल गए ज्यादा तो हमको माफ कर देना। हमको माफ कर देना, होली का माफ कर देना। होली का भांग चढ़ गया था इसलिए बोल गए ज्यादा, इसलिए बोल गए ज्यादा, इसलिए बोल गए ज्यादा। भूल करना मत ये सोच कर अब भी नशे में है। भूल करना मत ये सोच कर अब भी नशे में है। भूल करना मत ये सोच कर अब भी नशे में है। पूरे जोश में बैठे हैं तुम्हारे होश उड़ाएंगे। पूरे जोश में बैठे हैं तुम्हारे होश उड़ाएंगे। पूरे जोश में बैठे हैं तुम्हारे होश उड़ाएंगे। पूरे जोश में बैठे हैं तुम्हारे होश उड़ाएंगे।
भिगा दो रूह मेरी अपनी मुस्कुराहट से, आज भिगा दो रूह मेरी अपनी मुस्कुराहट से, लगा लो गले मुझे अपनी झील सी बहती निगाहों से, पिला दो रस इश्क का झुमा दो अपनी अदाओं से, गम सारे दूर करो आज रंग लगाओ अपने इन दो हाथों से। वाह वाह मोहतरमा, लगता है आपको रंगों का बड़ा ज्ञान है, तो चलिए इसी बात पर कुछ पूछ लें आपसे। जी जरूर। अच्छा, अंधेरी रातों में लोग मेरा दीदार करते हैं, यार की जब बात हो लोग मुझे याद करते हैं, वो रंग ही क्या, अरे वो रंग ही क्या जो यार का एहसास न दिला सके, वो कोरा चांद ही क्या जो सुकून में जलते आग न बुझा सके, बताइए कौन। होठों पे हमारी शांति नहीं आज, मुट्ठी में खुशियों का खजाना है, रंग देख दुनिया का सबको प्यार का रंग लगाना है, होली तो बस एक सफेद झूठ है मोहतरमा, हमें तो आज बस तुम्हें गले लगाना है, आज गले लगाना है जनाब, ये शांति का प्रतीक है सफेद रंग। बिल्कुल, मैं खुश हूँ ये सोच कर कि मैं ख्वाबों में हूँ, मैं खुश हूँ ये सोच कर कि मैं ख्वाबों में हूँ, सरसों के खेतों में DDLJ का प्यार ढूंढ रही हूँ, DDLJ का प्यार ढूंढ रही हूँ, ना काजोल हूँ ना शाहरुख है, ना काजोल हूँ ना शाहरुख है, मेरे ख्वाबों की दुनिया की मैं इकलौती किरदार हूँ मोहतरमा, मैं इकलौती किरदार हूँ, बताऊँ मैं कौन हूँ। आज तकदीर में मुस्कुराना लिखा है, आज तकदीर में मुस्कुराना लिखा है, बिना मांगे एक फरिश्ता दिखा है, पीली कुर्ती में इश्क का रंग चढ़ा है, भिगाने अपनी बातों से हमारी तरफ ये कौन चला है, सोचा खेल ले हम भी इश्क के गुलाल से, लेकिन हमारा दिल अब भी रंगीन कहाँ है, हमारा दिल अभी रंगीन कहाँ है मोहतरमा, ये पीला रंग है। इन दिलों को जरा थाम के रखिए, इन दिलों को जरा थाम के रखिए, कुर्ती पे लगे रंग को थोड़ा संभाल के रखिए, इन दिलों को थोड़ा थाम के रखिए, कुर्ती पे लगे रंग को थोड़ा संभाल के रखिए, जो कदम बढ़ रहे हैं आपकी ओर, जो कदम बढ़ रहे हैं आपकी ओर, उनकी आहट को समझने की कला सीखिए, होली का त्योहार है मोहतरमा, होली का त्योहार है मोहतरमा, हर रंग आप पर भी सजेगा, बस थोड़ा इंतजार रखिए। दिल तो कहीं कोने में जाके छुपा है, दिल तो कहीं कोने में जाके छुपा है, उसके कदमों के निशान को संभाल के ही रखा है, कला तो हम में है लेकिन उनकी आहट ने ही इसे छीना है, होली का त्योहार है मोहतरमा, इंतजार तो हर साल रहा है, अब इंतजार हुआ खत्म, अब इंतजार हुआ खत्म, लो आ गए होली के साथ सारे रंग, तो भूल जाओ सारे गम और उड़ाओ हमारे साथ ये होली के रंग, जो बात लगी हो कोई बुरी तो बुरा ना मानिए, होली है, अब चलिए इस शाम को हास्य और व्यंग से थोड़ा और रंगीन बनाते हैं, गौर कीजिएगा, ये खुद को सत्ताधारी और हमको समझे मूर्ख प्रिय, ये खुद को सत्ताधारी और हमको समझे मूर्ख प्रिय, ये उस गद्दी के लोभी हैं जिस गद्दी के हम मूल प्रिय, अरे ये क्या पॉलिटिक्स दिखाएंगे, अरे ये क्या पॉलिटिक्स दिखाएंगे, हम लोकतंत्र की नींव प्रिय और हमको ही ना समझ सके, ये कैसी इनकी भूल प्रिय, ये कैसी इनकी भूल प्रिय, ये दिवाली के पटाखे हैं, ये दिवाली के पटाखे हैं, मैं होली की हूँ रंग प्रिय, ये बिन कारण का धुआं है, मैं गुजिया की मिठास प्रिय, ये फुसकी बॉम्ब निकलते हैं, ये फुसकी बॉम्ब निकलते हैं, मैं निशाने पे लगती पिचकारी प्रिय, ये याचक मेरे दर के हैं, मैं इनकी दाता प्रिय, मैं इनकी दाता प्रिय, ये नरसिम्हा है कलयुग के, ये नरसिम्हा है कलयुग के, मैं प्रहलाद जैसी अंधी भक्त प्रिय, ये नरसिम्हा है कलयुग के, मैं प्रहलाद जैसी अंधी भक्त प्रिय, यही सोचकर गलती कर दी, यही सोचकर गलती कर दी कि मैं हूँ इनकी दास प्रिय, 5 वर्ष की आयु बाद ये फिर मिलेंगे मेरे द्वार प्रिय, ये फिर मिलेंगे मेरे द्वार प्रिय, धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छा लगा। अब इसी के साथ एक बार फिर मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सक्सेना सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि वो एक बार आए और अपने कुछ कविताओं में यहाँ पे योगदान दें। धन्यवाद शुभम। तो राजेंद्र गौतम जी से मैं जब भी वो आते हैं तो उनसे प्रेरणा लेके कुछ कोशिश करता हूँ, तो आज भी थोड़ा सा प्रयास किया है। निश्चित रूप से हास्य लिखना तो लगभग असंभव सा काम है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए।
लेकिन एक जो आज के हालात हैं उनके संदर्भ में एक व्यंग लिखने की कोशिश की है। वो यह तुमने कहा हमने सुना, तुमने कहा हमने सुना, हम सब ने सोचा समझा, जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गंभूर थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, बच्चे दो उनके साथ खड़े थे। मैंने कहा बहन जी कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, हस्बैंड कहाँ है, वो JNU में प्रोफेसर हैं, तुम क्या करती हो, एक NGO चलाती हूँ, NGO चलाती हो, घुटने फटे हैं, समाज के बीच जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूंगी। हमने कहा तुमने कहा हमने सुना हम सब ने सोचा समझा। हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन दिया गया, हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन दिया गया, 10 थे तो 50 किलो, 20 थे तो क्विंटल राशन दिया। फिर भी जलन होने लगी कि 2 वालों को 10 किलो और 20 वालों को क्विंटल मिला। इसमें जलन कैसी, जब समय था तो आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं पैदा किए। तुमने कहा हमने सुना हम सब ने सोचा समझा। अमेरिका ने हमें 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा और दुनिया पे राज किया। अमेरिका ने हमें 200 साल तक गुलाम बना के रखा और दुनिया पे राज किया। वर्तमान समय में वो कोरोना से संघर्ष कर रहा है, वो डोल गया और बोल गया। तुमने कहा हमने सुना हम सब ने सोचा समझा। BBC वालों ने कार्टून बनाया, अभी 3 दिन पहले एक कार्टून BBC का आया है। BBC ने कार्टून बनाया, पहले वालों का जनता पर ध्यान नहीं था, इनका जत्न पहले वालों का जनता पर ध्यान नहीं था, इनका जनता के घुटनों तक पर ध्यान है, इनका जनता के घुटनों तक पर ध्यान है। फर्क देखिए। तुमने कहा हमने सुना हम सब ने सोचा समझा। फिर एक मित्र ने मुझे बताया रावत जी की स्टाइल से अवगत कराया। बोले उनका स्वभाव ही ऐसा है होली पर कुछ ज्यादा ही मजाकिया हो जाते हैं। तुमने कहा हमने सुना हम सब ने सोचा समझा और सबको बताया, बुरा ना मानो होली है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपकी कविता बहुत अच्छी थी। तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर सुष्मिता बाला मैम आए और हम सभी को इस कुछ 2 लाइन हमारे सामने रखें। धन्यवाद शुभम। सभी ने होली की बहुत बहुत कविताएं सुनाई। राजन जी ने पूरी तरह से त्योहार के साथ साथ प्रकृति और प्रेम को कविताओं के रूप में प्रस्तुत किया। इसी श्रृंखला में मैं भी थोड़ा कुछ सुनाना चाहती हूँ। जैसे जो हम लोगों के जमाने में, हम लोगों के समय में जब हम छोटे हुआ करते थे, हम सुनते थे और गाते भी थे। घर में माहौल ऐसा होता था कि हम लोग थोड़ा सा गाते थे, जैसे होली में उड़त गुलाल, बाजत मृदंग और ढोल, भर भर पिचकारी सखियन ने मारी, कान्हा ठाड़ी मुस्काए, भर भर अंजुरी फूल बरस है, राम खड़े मुस्काए। लेकिन भंग की तरंग में, होली के रंग में, ये तो सिर्फ बनारस की छटा है, खास छटा। और हम आगे बढ़ते हैं जो ये होली का वर्णन करते हैं, जो विभिन्न काल में विभिन्न तरीके से होली को प्रस्तुत किया जाता था, उसमें खास तौर से जब त्रेता युग की बात करें तो वहां जो हमारे जमाने में गाते थे मम्मी वगैरह, वो था वन चले दोनों भाई, जिने कोई हट कोरी माई, आगे आगे राम चलते हैं, पीछे से लक्ष्मण भाई, बीच में सीता अति बर सोहे, शोभा बरन ना
जाई इन्हें कोई हद को रिमाई। जब हम द्वापर युग में आते हैं तो होली का स्वरूप कुछ और हो जाता है। जैसा राजन जी ने भी बताया कि होली वृंदावन की बरसाने की होली डिफरेंट होती है। वहां पे होली को का गाते हैं, आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, अपने अपने घर से निकरी, कोई गोरी कोई काली रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया। आज भी वृंदावन में और मथुरा में फूलों की होली, लठामार होली, ये सारी होली खेली जाती हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में हम धीरे धीरे होली के उस स्वरूप से पीछे हटते जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। अब हमारे बीच, हमारे इस कार्यक्रम में ऑनरेबल जस्टिस भंवर सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, पहले तो आपको हाथ जोड़ के नमस्कार और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में अपने शब्दों से रोशन करें इस कार्यक्रम। धन्यवाद शुभम। आदरणीय राजेंद्र गौतम जी, प्रिय फैकल्टी मेम्बरान व प्यारे विद्यार्थीगण, राजेंद्र जी की कविताएं सुनकर आज बड़े हम आनंदित हुए, बहुत अच्छा लगा। और सबसे जो मनोरंजक पूर्ण बात थी वो थी कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा का मिश्रण, दिल की डाली लचक कर हुई स्विंग, वाह क्या कहने। ये सुनकर गौतम जी की कविता मुझे अपने इंटर के एक हिंदी के प्रोफेसर थे जो हास्य कवि थे, उनकी एक दो लाइन की कविता याद आ गई। उसकी बैकग्राउंड ये थी कि एक बड़ौत मेरठ में कस्बा है जिसके जैन कॉलेज में मैं पढ़ा करता था, और थोड़ी दूर पर जाट कॉलेज था। जाट कॉलेज एग्रीकल्चरल कॉलेज था और उसमें बड़े बड़े गार्डन्स और आम के भी बागान थे। तो जैन कॉलेज के बच्चों ने जाट कॉलेज के आम के बागान में से कुछ आम तोड़ लिए, काफी सारे। उसकी शिकायत हुई, वहां के प्रॉक्टर ने जैन कॉलेज के प्रॉक्टर को, प्रिंसिपल को शिकायत की। तो अगले दिन जब सुबह की प्रार्थना हो रही होने के बाद, तो वो हिंदी के प्रोफेसर साहब आए और उन्होंने कहा कि ध्यान से सुनना, हु आर दोज बॉयज जिन्होंने तोड़े मैंगोज फ्रॉम द जाट कॉलेज के गार्डन से। तो ये सुनकर सभी लोग हंसी का ठहाका लगाए और मुझे गौतम जी की इस हिंदी मिश्रित अंग्रेजी की कविताओं को सुनकर वाकई बहुत आनंद आया। दोस्तों, होली का त्योहार आज से नहीं, कहते हैं क्राइस्ट के पहले से मनाया जाता रहा है, मगर उस वक्त ना पिचकारी थी ना बैलून थे और कलर्स भी नहीं थे। होली का महज एक आइडिया था, एक सोच थी, उस सोच को ही एक आगे बढ़कर रंगों का आयाम दिया गया। और अभी सुष्मिता जी ने कान्हा की बात की थी, तो मैंने एक छोटी सी लीजेंड पढ़ी थी कि कान्हा अपने रंग से, यानी कृष्ण जी जब बच्चे थे तो अपने रंग से बहुत दुखी थे। उनका रंग थोड़ा सांवला था और जो उनकी लड़कियां प्लेमेट्स थी बचपन में, वो उन्होंने उन्हें बहुत चिढ़ाती थी, कहते कान्हा तू काला, इससे बहुत दुखी रहते थे। तो एक दिन माताजी से शिकायत की यशोदा मैया सी,
पे एक कविता भी है, माता क्यों मैं हुआ काला, ये तो अलग की बात है, मगर उन्होंने अपना दुख प्रकट किया कि ऐसा क्यों मुझे लड़कियां कहती हैं कि तू काला है। तो यशोदा मैया ने पूछा कि कौन लड़की ज्यादा कहती है, कि मैया राधा ही ज्यादा कहती है। तो माता जी ने, यशोदा मैया ने कृष्ण के हाथ में कई तरह के रंग पकड़ाए और कहा जो भी कहे उसका मुंह रंगों से लपेट देना, उसके मुंह पर रंग लगा देना। तो कृष्ण को बड़ा जोश आया और जब राधा ने उन्हें फिर चिढ़ाया तो राधा के मुंह पर कृष्ण जी ने जितने रंग थे सारे पोत दिए और उसके बाद से कहते हैं ये होली का त्योहार शुरू हुआ। इट इज ए लीजेंड, ये एक कथा है, आप मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, मगर हाँ होली अपने अपने तरीके से मनाई जाती है। जैसे बरसाना में लठामार होली का सुष्मिता जी ने जिक्र किया, मैंने वो होली अपनी आंखों से देखी है। जो बरसाना की लेडीज होती हैं वो वहाँ के आदमियों के सिर पर लाठी मारती हैं, मगर सिर के ऊपर एक लेदर का बहुत मोटा एक बीच में बना होता है, गोल गोल होता है वो, उसको कवच बोलते हैं, तो वो सिर पर रखे रहते हैं, चोट नहीं आती, मगर बड़ी जोर जोर से मारती हैं। और कभी गलती से किसी के सिर से वो कवच हट गया तो भगवान ही मालिक है। तो इस तरीके से भी होली खेली जाती है। और होली का दोस्तों हमारे करीब करीब सभी जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं सब में उनका जिक्र आता है, चाहे पूर्व मीमांसा हो, चाहे कथक ग्रह सूत्रा हो, चाहे नारद पुराण हो या भविष्यत पुराण हो, सब में एक होली का जिक्र है। मगर उसमें होली को कहा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, यही होली है। और यही हम जब कभी दिवाली मनाते हैं तो उसमें भी रावण के ऊपर राम की जीत को ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत बताया गया है। सुष्मिता जी ने भी बड़ा अच्छा जिक्र किया, मुझे आज उनके टैलेंट का भी पता लगा, वो गाती भी हैं, बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने तो समा बांधा। और एक और लीजेंड है दोस्तों जो सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप एक राजा हुए थे जिनको एक वरदान मिला हुआ था कि वो किसी को भी जीत सकते हैं, लड़ाई में उनको कोई हरा नहीं सकता। तो उनके छोटे भाई को भगवान विष्णु ने उनका उसका वध किया था क्योंकि वो बहुत ही जालिम किस्म का डेमन था, दैत्य था। तो उससे हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुए और एकदम बदला लेने की ठानी और कहा मैं विष्णु को हरा कर धरती पर ही नहीं राज करूंगा बल्कि मैं स्वर्ग में भी राज करूंगा। इस इच्छा के साथ उसने अपनी सारी प्रजा को कहा कि सब कल से मेरी पूजा करेंगे, कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, ना देवी ना देवता। तो सबने हिरण्यकश्यप की पूजा करना शुरू कर दिया, मगर उनका बेटा प्रह्लाद जो है वो भगवान विष्णु का बहुत ही एक अच्छा भक्त था, तो उसने उनका उनकी भक्ति नहीं छोड़ी। जब हिरण्यकश्यप को पता लगा तो उसने तरह तरह से उन्हें समझाया, अपने जो सिपहसालार थे उनको कहा कि भाई इसको समझाओ कि ये किसी की पूजा ना करे, मेरी केवल पूजा करे। मगर जब वो नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे एक वरदान था कि उसे अग्नि भी नहीं जला सकती, उसे कहा कि तुम प्रह्लाद को लेके अग्नि में बैठो और इसको तुम साफ निकल आओगी, ये जल जाएगा। मगर उस अग्नि में हुआ उल्टा, क्योंकि भगवान विष्णु प्रह्लाद की बचत पर आ गए और उन्होंने जो अपना आशीर्वाद था जो अपनी एक भक्त को देते हैं भगवान वो दिया, जिसका नतीजा हुआ कि होलिका जलकर राख हो गई और प्रह्लाद बिना एक खरोच के भी बाहर आ गए।
तो तब से और उसके बाद जो है हिरण्यकश्यप को भी भगवान विष्णु ने उनका वध किया, तो तब से ये जो होलिका है, होलिका का जो जो होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, उस होलिका का जो स्वरूप जला, जिस दहन में उनका स्वरूप जला, उसी को हम लोग हर साल अच्छाई की बुराई पर जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उसको री इनेक्ट करते हैं, उसको उसी तरीके से होली दहन मनाते हैं, होलिका का दहन करते हैं पूर्णिमा की रात को, और उस दिन जो है भजन कीर्तन और अच्छे अच्छे होली के फाग और हास्य कविताएं जैसी राजेंद्र गौतम जी ने सुनाई, सब कहते हैं मैंने तो गांव के फोक के भजन भी सुने हैं, गाने भी सुने हैं, मुझे एक बहुत अच्छा तजुर्बा है ऐसे अच्छे गानों का। तो दोस्तों ये जो होलिका त्योहार है ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है, और जैसे इसको लठामार होली बरसाना मथुरा में कहते हैं, और उत्तराखंड में इसको खड़ी होली कहते हैं, जब लोग समूहों में निकलते हैं तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एक होली के गान गाते हुए जाते हैं। इसको बंगाल में भी और उड़ीसा में भी डोल जटरा के नाम से जाना जाता है, गोवा में इसको शिगमो के नाम से मनाते हैं, बिहार में फगवा के नाम से मनाते हैं, मणिपुर में टैबलो चोगला के नाम से बुलाते हैं, असम में फकुआ कहते हैं, केरल में मंजुल पुली कहते हैं, और शांति निकेतन में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, वो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जो स्टूडेंट्स हैं वो राधा और कृष्ण की मूर्ति को लेकर उसका प्रोसेशन निकालते हैं और उनके फाग गाते हैं। दोस्तों होली का ये त्योहार इतने तक ही खत्म नहीं होता, इसमें जो असली आनंद आता है वो होली के मिठाइयों और होली की गुजिया से आता है। सारे भारतवर्ष में इस दिन हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, गुजिया बनाई जाती हैं, दही भल्ले बनाए जाते हैं, और मालपुआ बनाए जाते हैं, इस तरीके से जितने भी अच्छे मिष्ठान होते हैं वो सब तैयार किए जाते हैं, और होली के बाद हम सबको उनका आनंद लेकर सब होली का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, होली के त्योहार की बधाई, और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि सब अपने आने वाले 2-3 दिन बड़ी खुशियां से मनाएं, अपने परिवार वालों के साथ मनाएं, मगर एक चीज का ध्यान जरूर रखें, कोरोना अभी गया नहीं है, दोबारा से लौट आया है, इसलिए सारी सावधानियां लें। अगर आप बाहर जाते हैं मास्क लगाएं, क्राउड में बिल्कुल ना जाएं, और भी जो जो एडवाइजरी हैं उन सब का माने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया सर। अब मैं चाहूंगा कि स्पार्क की ओर से प्रिया अपने शब्दों को रखे। आप सभी को हार्दिक स्टूडेंट काउंसिल बॉडी स्पार्क की ओर से मैं प्रिया मिश्रा हमारे अतिथि डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें सुना और हमारे होली के कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। धन्यवाद सर। मैं अपना आभार अब डीएमई निदेशक रवि कांत स्वामी सर, उपाध्यक्ष अमन सहानी सर, महानिदेशक समय भगवत सिंह सर को व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने सदैव हमारा साथ दिया है और उनके प्रेरणा के बलबूते ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी अध्यापकों का और डीएमई मीडिया स्कूल के डीन डॉक्टर अमरीश सक्सेना सर, डीएमई मीडिया स्कूल की विभाग प्रमुख डॉक्टर सुष्मिता बाला मैम, जिनके कारण हम जो कुछ भी नया करते हैं उसमें उन्हीं का साथ
और भरोसा निहित होता है। धन्यवाद। मैं अपना आभार उन सभी प्रतिभागियों को व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने इस शाम को और रंगीन और यादगार बना दिया है। ये धन्यवाद प्रस्ताव सदैव अधूरा ही रहेगा बिना स्पार्क के सदस्यों और सामान्य वर्ग को आभार व्यक्त किए। तो अब मैं मिसेस कृष्णा पांडे मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इसे सफल बनाया। अब बिना तकनीकी मदद के यह कार्यक्रम मुमकिन नहीं था। तकनीकी मदद के लिए सचिन नायर सर, अनमोल सर, सुमंत्रा सर, प्रतीक शर्मा, प्रांजलि श्रीवास्तव, प्रमाण आहूजा, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों के लिए जिन्होंने हमारा साथ और हमारा हौसला बनाए रखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु यह सिर्फ होली के एक कार्यक्रम का अंत है। होली तो खुशियों का, रंगों का और उल्लास का त्योहार है। तो चलिए भूल जाए सारे गम, फिर उड़ाए खुशियों के रंग। भूल जाए सारे गम, फिर उड़ाए खुशियों के रंग। मिठास से भरी हो आप सबकी होली। एक बार फिर से हमारी ओर से आप सभी को हैप्पी होली। धन्यवाद।